नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। नुपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट में जवाबी कार्रवाई में विवादित बयान क्या दिया, चारों तरफ से वो घिर चुके हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच का झंडा बुलंद करने वाले भी अपने असली रंग में आ चुके हैं। जो अभी तक शिवलिंग के अपमान पर चुटकियां ले रहे हैं, वो भी बिल से बाहर निकल कर सोशल मीडिया पर उछल रहे हैं और फ्रीडम और एक्सप्रेशन गया तेल लेने। जो मुनव्वर फारूकी के सपोर्ट में कसीदे पढ़ रहे थे, वो भी अब नुपुर शर्मा पर लाल हो रहे हैं और नुपुर शर्मा पर चारों तरफ से गाज गिर रही, चारों तरफ से धमकी मिल रही है, रेप मर्डर के धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं। पार्टी ने प्रवक्ता पद से बर्खास्त कर दिया है। दुनिया भर के देश भारत को ज्ञान देने में जुटे हैं, लेकिन जब बाकी धर्मों का मजाक बनता है तब ये बिल में घुस जाते हैं, कहीं नजर नहीं आते। चलो, ये तो हुए वो पराये जिनसे आप यही उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन जिस पार्टी को लगातार नुपुर सपोर्ट करती आए, उसने ये दिखा दिया है कि उससे अच्छी तो सपा और ओवैसी की पार्टी। गलत होने पर भी अपने नेताओं के साथ रहते हैं, उनका सपोर्ट करते हैं, ऐसे छोड़ते नहीं। और नुपुर शर्मा ने तो जवाबी कार्रवाई की थी। राणा अयूब और सबा नकवी जैसे सो कॉल्ड पत्रकार शिवलिंग का मजाक बना रहे थे, तब ना उन पर कोई कार्रवाई हुई और ना ही किसी ने धमकी दी और ना ही दंगे हुए। नुपुर शर्मा ने एक बयान क्या दिया, दंगे भी हुए, धमकी भी और लगातार FIR। और वही अपनी हिंदुत्व की विचारधारा छोड़ ओवैसी के शब्दों में कांग्रेस और NCP से निकाह करने वाली शिवसेना को भी मौका मिल गया। उद्धव ने भी अब नुपुर शर्मा पर कार्रवाई करने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, शिवलिंग का मजाक बनाने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाई शिवसेना, लेकिन अब नुपुर शर्मा पर मुंबई CP संजय पांडे ने एक्शन लेने की बात कही। उन्होंने इस पर बयान दिया है और कहा है कि जल्द ही भाजपा की पूर्व प्रवक्ता को समन किया जाएगा और उनका ज्ञानवापी विवाद से जुड़ा बयान दर्ज किया जाएगा।